लोगों का बहुत बड़ा नजरों का कांटा थी मैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों की जो दुकानें थी चंदे का धंधे की वो दुकानें बंद हो गई। आप कल सलीम अंकल के घर में बैठ के जो बयान दे रहे हैं उस बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि इतनी रात को कोई भी इंसान किसी के घर पे कोई साफ नियत से या कोई साफ मतलब से नहीं आ सकता, जबकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी पहले भी एस एम नेमुद्दीन खादरी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, बारकस रोड पे भी इनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। तो जाहिर सी बात है जब कोई इंसान एक बजे रात के बाद अचानक से घर पर आ जाएगा, ऑफिस के सामने आके खड़ा तो एस एम नेमुद्दीन खादरी को बराबर उसको शक की नजर से देखना जाहिर था, लाजिम था। और जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से वापस जा रहे हैं तो आपको गली की टर्निंग पे वहां पर टर्निंग पे तीन लोग आपसे बात कर रहे थे, तो वो तीन लोग आपके कौन थे वो भी आपने जवाब नहीं दिया इस बात का। और एक खुशी सी बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि कल एक वीडियो वायरल हुआ, एमबीटी के जो सलीम अंकल है सैयद सलीम, उन्होंने कल एक वीडियो वायरल किया था जिसमें एक लड़का है शाहनवाज जो कुछ दिन पहले हमारे घर पर यानी कि मेरी ऑफिस पर मदद के लिए आया हुआ था, जो रात के एक या डेढ़ बजे के बीच में वो जब हमारे घर पर मदद के लिए आया था। तो मैं उस शाहनवाज से ये पूछना चाहूंगी कि पहली चीज तो आपको कोई भी इंसान जब मजलूम होता है, जब तकलीफ में होता है, तो जब किसी के घर पर जाने की आप सोचते हैं, यहां तक कि अपने रिश्तेदार के भी पास अगर आप मदद के लिए जाते हैं तो वक्त के टाइम के हिसाब से थोड़ा काम करते हैं कि इतनी रात को आप अपने रिश्तेदार के भी घर पर जाके खट्टा मारने के लिए सोचना पड़ता, आपको पड़ोसी में भी खट्टा मारने के लिए सोचना पड़ता। आप इतनी दूर मेरी ऑफिस पर जब आप आए हैं पहाड़ी शरीफ की, तो आप डेढ़ बजे रात को इतनी रात को आपको ऐसा कितना अर्जेंट था जो आप यहाँ पर है, चाहे तो आप कॉल कर सकते थे, मैसेज दे सकते थे। और आपको ये कैसा यकीन था कि मैं इतनी रात को एक औरत जात में इतनी रात को क्या ऑफिस में बैठी भी रहती हूँ मैं एक बजे रात के बाद। और मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी आज एक जैसा कि जो मेरे दुश्मन है जो चाहते थे कि मैं काम ना करूं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि मैं आज से खिदमत खल्क नहीं कर रही हूं। और फिर से मेरे जितने भी दुश्मन है उन सबको मुबारकबाद देती हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बड़ा नजरों का कांटा थी मैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों की जो दुकानें थी चंदे का धंधे की वो दुकानें बंद हो चुकी थी। खैर मेरा जहां तक काम था मैं कर चुकी हूँ, आगे भी अल्लाह बड़ा मालिक है, बराबर अल्लाह ताला सबके ऊपर नजर रखा हुआ है। मैं नहीं हूँ तो क्या मेरे एक हटने से काम बंद होने वाला नहीं है, मैं हट जाऊंगी तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है अल्लाह ये काम खुद में दखल को और बढ़ाएगा, और मेरे कई ऐसे नौजवान भाई रहेंगे, ऐसी नए जवान मेरी कई बहनें रहेंगी जो आगे बढ़कर खिदमत की कौम की खिदमत करेंगी इंशाल्लाह। आज मेरे को रोकेंगे तो मेरे को एक रोकने से काम रुकने वाला नहीं है, ये अल्लाह के लिए खिदमत की जा रही है, तो ऐसे अल्लाह की राह में कई लोग आगे बढ़ेंगे, कई ऐसे मेरे जैसे 10 नाहिदा खादरी अल्लाह ताला पैदा कर देगा इंशाल्लाह ताला। आज मेरे को हटाए आप लोग नजरों से, परेशान मत हो, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि उस वक्त मेरे शोहर एस एम नेमुद्दीन खादरी का खुद उनके दोस्तों ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल हमारा साथ था, और उसके बाद हम आपको जो सपोर्ट करें हमारा जो साथ बनकर हमारे बराबर रहे हैं वो हमारे एडवोकेट कवि अब्बासी साहब हैं और अजीम खान साहब हैं, और खास तौर पे तो मौलाना हजरत सुत्तारी हामिद साहब हैं जिन्होंने बहुत ही खुलकर बहुत ही बिंदास तरीके से आगे बढ़कर हमें सपोर्ट करते हुए हमारे हर काम में हमें सपोर्ट किया है। और जो लोग मेरे दुश्मन है उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो लोग मुझे चाहते हैं, जो मेरे काम से लोग पसंद करते थे, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि सॉरी मैं आप लोगों के आगे रो मत मां कि इंशाल्लाह मैं अपने कदमों को मैं रोक चुकी हूँ, क्योंकि इस चीज की शायद मुझे भी बहुत बड़ी तकलीफ है कि कई ऐसी मेरी माँ बहने थी जिनको मैं सच्चे दिल से और बहुत ही ईमानदारी से मैं अपना काम करती थी, लेकिन शायद मेरी नेकी करना किसी को पसंद नहीं आया। और इंशाल्लाह ताला आज से इस काम को मेरे शौहर एस एम नेमुद्दीन खादरी जारी रखेंगे।